हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां माहौल बनाने में जुटी हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए हुई इस बैठक में बीएसपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री के प्रचार में भी भ्रष्टाचार है और ये धीरे धीरे सामने आ रहा है कि 20-20 लाख के बिस्किट खा गए। आपने देखा किस प्रकार से 5,000 करोड़ का खनन घोटाला सामने आया, जनता ये देख रही है। जिसने बिजली के मीटरों में 100 करोड़ रुपया प्रदेश में लूटा, जिसने किलोमीटर स्कीम के माध्यम से रोडवेज में 1,000 करोड़ रुपया लूटा, इससे सुधा चेहरा क्या होगा? जिसने घोटाले भी किए, धांधलियाँ भी करी और आज आशीर्वाद के नाम पे प्रदेश के पैसे को, गवर्नमेंट के पैसे को बर्बाद करने का काम कर रहे। चुनावी सीजन में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार कोई नई बात नहीं, लेकिन फैसला तो आखिर जनता को करना है। वो वोट से तय कर देगी कि राज करने के लिए कौन सही है कौन नहीं। R9 TV के लिए फरीदाबाद से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।